जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह को शनिवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। हालांकि हाई कोर्ट ने 7 साल की सजा को बरकरार रखा है, वो अभी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। साथ ही सजा को रद्द करने की मांग कोर्ट ने खारिज कर दी है। ऐसे में वो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दी है। आपको बता दें कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघव ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत 2 के खिलाफ अपहरण और रंगदारी की FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इस मामले में वो 3 माह जिला कारागार में बंद रहे। इसके बाद पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत हुई। मामले में पुलिस ने विवेचना करके 3 माह के अंदर कोर्ट में चार्ट शीट दाखिल कर दी। जौनपुर के MP MLA कोर्ट ने 2 अप्रैल 2022 को धनंजय सिंह और सहयोगी पर आरोप तय किए थे। इसके बाद 130 तारीखों की सुनवाई के बाद 5 मार्च 2023 को धनंजय समेत 2 को दोषी पाया गया। इसके बाद 6 मार्च 2024 को 7 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति संजय कुमार की सिंह एकल पीठ ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाया। अब शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने उनकी सजा पर लगाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में 7 साल की सजा बरकरार रहेगी। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी धनंजय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।